जोधपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रफाल खरीद के दस्तावेजों पर एक बार फिर से सुनवाई करने की बात स्वीकार की है, जिससे साफ जाहिर होता है कि इस रक्षा सौदे में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही मोदी सरकार पर रोजगार और नोटबंदी को लेकर भी निशाना साधा। इस दौरान IPL मैच जोधपुर में करवाने के सवाल पर कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मैच कराने को लेकर 3-4 बार बात की है, लेकिन सीजन में मैच नहीं करवाए जा सकते हैं। इसके लिए आयोजकों से कम 6 से 7 महीने पहले बात करनी पड़ती है। अगले सीजन में जोधपुर में IPL मैच करवाया जाएगा। मैं क्रिकेट के लिए बहुत समय से मुझे बोल रहे हैं लगातार। एक बार उन्होंने हमें कई सालों जब पिछली बार मुख्यमंत्री से कहा था तो मैं जोधपुर के स्टेडियम देखने आया था, उसमें जो कमियां थी हमने उनको बताई थी, उन्होंने उन सारी कमियों को ठीक करवाया और वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कराने लायक वो स्टेडियम पूरा है जिसमें कराया जा सकता है, ऐसा मैंने उसमें पाया। और फिर इसके बाद कोई प्रयास हुआ नहीं। जयपुर में होते रहे। पर देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।